सो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D के ऑल चीट कोड। जितनी भी बाइक्स हैं हमारे इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D के अंदर, उन सभी के चीट कोड आज आपको मैं बताने वाला हूँ। इसी के साथ जितने भी कार्स हैं उन सभी के चीट कोड बताने वाला हूँ। जितने भी एनिमल्स हैं उन सभी के चीट कोड बताने वाला हूँ। एनिमल्स के अंदर आपको काफ़ी सारे एनिमल्स देखने को मिले हैं, उन्हीं के अंदर आपको कुछ सीक्रेट एनिमल्स देखने को मिले हैं। जैसा कि आपको ये वाला डेंजर स्नेक देखने को मिला है, इसी के साथ आपको ये वाला एलिफेंट भी देखने को मिला है, लेकिन इनके चीट कोड शायद आपको पता नहीं होंगे, तो इनके चीट कोड भी आज आपको पता लगने वाले हैं। इन्हीं के साथ आपको काफी सारे सीक्रेट चीट कोड पता लगने वाले हैं। काफी सारे ऐसे व्हीकल्स हैं जिनके शायद आपको चीट कोड पता नहीं है, सो उनके चीट कोड भी आज मैं आपको बताने वाला हूँ। सो वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखना, चलिए शुरू करते हैं। तो देखो गाइस, सबसे पहले इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D के अंदर जितनी भी बाइक्स हैं उन सभी के चीट कोड मैं आपको बता देता हूं। देखो, सबसे पहले आपको अपने सेल फोन को निकालना है एंड इसके अंदर आपको 3000 डायल करना है। जब आप ये डायल करोगे तो आपको खवासा की निंजा चुटुआर देखने को मिलेगी। इसके बाद फिर से सेल फोन को निकालना है, इसके अंदर 444 टाइम पे डायल करना है। जब आप ये डायल करोगे तो आपको ये वाली कोबरा बाइक देखने को मिलेगी। इसके बाद फिर से सेल फोन को निकाल के इसके अंदर 554 टाइम पे डायल करना है। जब आप ये डायल करोगे तो आपको ये वाली आपकी जो गोस्ट राइडर बाइक है वो देखने को मिलेगी। इसके बाद फिर से सेल फोन को निकालना है, इसके अंदर आपको 5000 डायल करना है। जब आप ये डायल करोगे तो आपको ये वाली पल्सर बाइक देखने को मिलेगी। इसके बाद आपको यहाँ पे सेल फोन के अंदर 6000 डायल करना है। जब आप ये डायल करोगे तो आपको ये वाली ट्रोन बाइक देखने को मिल जाएगी। इसके बाद फिर से सेल फोन को निकाल के इसके अंदर 7000 डायल करना है। जब आप ये डायल करोगे तो आपके सामने चमचमाती हुई हायाबुसा आ जाएगी। इसके बाद फिर से सेल फोन को निकाल के इसके अंदर आपको 773 टाइम पे डायल करना है। जब आप ये डायल करोगे तो आपके सामने ये वाली पल्सर आ जाएगी। इसके बाद फिर से सेल फोन को निकाल के इसके अंदर 774 टाइम पे डायल करना है। जब आप ये डायल करोगे तो आपके सामने डुक 200 आ जाएगी। इसके बाद फिर से सेल फोन को निकालना है, इसके अंदर आपको 883 टाइम पे डायल करना है। जब आप ये डायल करोगे तो आपके सामने एफ जेड आ जाएगी। इसके बाद फिर से सेल फोन को निकाल के इसके अंदर 884 टाइम पे डायल करना है। जब आप ये डायल करोगे तो आपके सामने डुक 200 यहाँ पे न्यू मॉडल वाली आ जाएगी। इसके बाद फिर से सेल फोन को निकाल के इसके अंदर 993 टाइम पे डायल करना है। जब आप ये डायल करोगे तो यहाँ पे यामा की VMX देखने को मिलेगी। इसके बाद आपको सेल फोन को निकाल के इसके अंदर 994 टाइम पे डायल करना है। जब आप ये डायल करोगे तो आपके सामने रॉयल एनफील्ड देखने को मिलेगी। इसके बाद आपको सेल फोन को निकाल के 9000 डायल करना है। जब आप ये डायल करोगे तो आपको स्प्लेंडर प्लस बाइक देखने को मिल जाएगी। इसके बाद फिर से सेल फोन को निकाल के इसके अंदर 4050 डायल करना है। जब आप ये डायल करोगे तो आपके सामने ये वाली अपाची बाइक देखने को मिलेगी। इसके बाद फिर से आपको सेल फोन को निकालना है एंड इसके अंदर यहाँ पे 1210 डायल करना है। जब आप ये डायल करोगे तो आपके सामने ये वाली KTM बाइक आ जाएगी। इसके बाद आपको आपके सेल फोन के अंदर 1211 डायल करना है। जब आप ये डायल करोगे तो आपके सामने ये वाली पल्सर बाइक आ जाएगी। सो देखो, यहाँ पे मैंने इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D के अंदर जितनी भी बाइक्स आपको देखने को मिलती हैं सभी के आल चीट कोड मैंने यहाँ पे आपको बता दिए हैं। एंड अगर आप किसी बाइक को ऐड करवाना चाहते तो इसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि उस बाइक को अगले अपडेट के अंदर ऐड कर दिया जाए। अब देखो, मैं आपको बताता हूँ इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D के अंदर जितने भी कार्स हैं उन सभी के चीट कोड। देखो, सबसे पहले आपको अपने सेल फोन को निकाल लेना है एंड इसके अंदर आपको 300 डायल करना है। जब आप ये डायल करोगे तो आपको ये वाली टार्जन कार देखने को मिलेगी। इसके बाद आपको अपने सेल फोन को निकाल के इसके अंदर 4000 डायल करना है। जब आप ये डायल करोगे तो आपको ये वाली पोर्चे कार देखने को मिलेगी। इसके बाद आपको आपके सेल फोन को निकालना है, इसके अंदर आपको 8123 डायल करना है। जब आप ये डायल करोगे तो आपको ये वाली मस्टैंग GT कार देखने को मिलेगी। इसके बाद आपको आपके सेल फोन को निकालना है, इसके अंदर आपको 8811 डायल करना है। जब आप ये डायल करोगे तो आपको ये वाली आपकी जो फरारी कार है वो देखने को मिल जाएगी। इसके बाद फिर से आपको सेल फोन को निकालना है एंड इसके अंदर आपको 2244 डायल करना है। जब आप ये डायल करोगे तो आपके सामने ये वाली चमचमाती हुई सुपेरा कार आ जाएगी। इसके बाद आपको अपने सेल फोन को फिर से निकालना है एंड इसके अंदर आपको 883 टाइम पे फिर 0 डायल करना है। जब आप ये डायल करोगे तो आपके सामने चमचमाती हुई ये वाली हैमर कार आ जाएगी, जो कि दिखने में कुछ ऐसी है। एंड इसके बाद फिर से सेल फोन को निकालना है एंड इसके
अंदर 9191 डायल करने, जब आप ये डायल करोगे तो आपको ये वाली ओल्ड मॉडल की जो आपकी थार है वो देखने को मिलेगी। एंड इसके बाद फिर से सेल फोन को निकालना है एंड इसके अंदर आपको क्या डायल करना है, 2020 डायल कर देना है। जब आप ये डायल करोगे तो आपको ये वाली इंडोर कार देखने को मिलेगी। इसके बाद फिर से सेल फोन को निकालना है एंड इसके अंदर आपको यहाँ पे 500 डायल करना है। जब आप ये डायल करोगे तो आपके सामने ये वाली ओडी कार आ जाएगी जो कि दिखने में कुछ ऐसी है। एंड इसके बाद आपको 664 टाइम पे डायल करना है। जब आप ये डायल करोगे तो आपके सामने ये वाली रेंज रोवर कार आ जाएगी। इसके बाद फिर से सेल फोन को निकालना है, इसके अंदर आपको 700 डायल करना है। जब आप ये डायल करोगे तो आपको ये वाली लैम्बोर्गिनी देखने को मिलेगी। इसके बाद फिर से सेल फोन को निकालना है, इसके अंदर 800 डायल कर देना है। जब आप ये डायल करोगे तो आपके सामने ये वाली बुगाटी कार आ जाएगी। इसके बाद फिर से सेल फोन को निकालना है, इसके अंदर आपको 900 डायल कर देना है। जब आप ये डायल करोगे तो आपके सामने ये वाली सुपर कार देखने को मिलेगी। एंड जो भी इसका कमेंट सेक्शन में नेम बताएगा उस बंदे को नेक्स्ट वीडियो के अंदर सॉर्ट आउट मिलेगा। इसके बाद आपको अपने सेल फोन को निकालना है, इसके अंदर 9090 डायल करना है। जब आप ये डायल करोगे तो आपको ये वाली मॉडिफाइड थार देखने को मिलेगी। इसके बाद फिर से आपको सेल फोन को निकालना है एंड इसके अंदर 100 डायल कर देना है। जब आप ये डायल करोगे तो आपके सामने ये वाली पुलिस कार आ जाएगी। इसके बाद आपको अपने सेल फोन को निकाल के 101 डायल करना है। जब आप ये डायल करोगे तो आपको ये वाली बड़ी वाली पुलिस कार देखने को मिलेगी। इसके बाद फिर से सेल फोन को निकालना है, इसके अंदर 1000 डायल करना है। जब आप ये डायल करोगे तो आपको ये वाली फॉर्च्यूनर देखने को मिल जाएगी। इसके बाद फिर से सेल फोन को निकालना है, इसके अंदर आपको 1001 डायल करना है। जब आप ये डायल करोगे तो आपको ये वाली फॉर्च्यूनर लेजेंडर देखने को मिलेगी। इसके बाद फिर से सेल फोन को निकालना है एंड इसके अंदर आपको 2000 डायल कर देना है। जब आप ये डायल करोगे तो आपको ये वाली रोल्स रॉयस कार देखने को मिल जाएगी। तो देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पे जितनी भी हमारी इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D के अंदर कार्स हैं उन सभी के चीट कोड मैंने यहाँ पे आपको बता दिए हैं। तो ये जितनी भी कार्स हैं उन सभी के चीट कोड हैं। एंड अगर आप किसी कार को ऐड करवाना चाहते हो नेक्स्ट अपडेट के अंदर, तो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट करिएगा जिससे कि उसे नेक्स्ट अपडेट के अंदर ऐड कर दिया जाए। अब देखो मैं आपको बताता हूँ इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D के अंदर जितने भी एनिमल्स हैं उन सभी के चीट कोड। देखो सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे मैं आपको जितने भी एनिमल्स हैं उन सभी के चीट कोड एक एक करके बताता हूँ। तो देखो सबसे पहले आपको अपने सेल फोन है उसको निकाल लेना है एंड इसके अंदर सबसे पहले आपको क्या डायल करना है, यहाँ पे आपको डायल कर देना है 600। जब आप ये डायल करोगे तो आपको ये वाला न्यू डॉग देखने को मिल जाएगा। एंड इसके बाद फिर से आपको सेल फोन को निकालना है एंड इसके अंदर आपको यहाँ पे डायल करना है 200। जब आप ये डायल करोगे तो आपको ये वाला हॉर्स देखने को मिलेगा। इसके बाद फिर से सेल फोन को निकालना है, इसके अंदर आपको 50 डायल कर देना है। जब आप ये डायल करोगे तो आपको ये वाला मिनी वाला जो डायनासोर है वो देखने को मिल जाएगा। इसके बाद फिर से सेल फोन को निकाल के इसके अंदर 51 डायल करना है। जब आप ये डायल करोगे तो आपको ये वाला टीरेक्स डायनासोर मिलेगा। इसके बाद फिर से सेल फोन को निकाल के इसके अंदर 52 डायल करना है। जब आप ये डायल करोगे तो आपको ये वाला स्पेनो डायनासोर देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको फिर से सेल फोन को निकाल के 53 डायल करना है। जब आप ये डायल करोगे तो आपको ये वाला ब्रांच डायनासोर देखने को मिलेगा। तो देखो फिलहाल अभी हमारे इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D के अंदर ये 4-5 एनिमल्स ही आपको देखने को मिलते हैं। अगर आप किसी और एनिमल्स को ऐड करवाना चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट करना जिससे कि नेक्स्ट अपडेट के अंदर उसे ऐड कर दिया जाए। अब देखो मैं आपको जितने भी बड़े व्हीकल्स हैं उन सभी के चीट कोड बता देता हूँ। देखो सबसे पहले आपको अपने सेल फोन को निकालना है एंड उसके अंदर आपको 12-12 डायल करना है। जब आप ये डायल करोगे तो आपको विदाउट ट्रॉली वाला ट्रक देखने को मिलेगा। इसके बाद फिर से सेल फोन को निकालना है, इसके अंदर 0-12-12 डायल करना है। जब आप ये डायल करोगे तो आपको ट्रक ट्रॉली देखने को मिल जाएगा। इसके बाद फिर से सेल फोन को निकालना है, इसके अंदर आपको 606 डायल कर देना है। जब आप ये डायल करोगे तो आपको ये वाला फायर ट्रक देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको फिर से सेल फोन को निकाल लेना है एंड इसके अंदर आपको डायल करना है 6677। जब आप ये डायल करोगे तो आपको ये वाली जेसीबी देखने को मिल जाएगी। तो देखो मैंने यहाँ पे जितने भी बड़े व्हीकल्स थे उनके चीट कोड तो बता ही दिए। अब मैं आपको बताता हूँ जितने भी उड़ने वाले व्हीकल्स हैं उन सभी के चीट कोड। देखो सबसे पहले आपको अपने सेल फोन को निकाल लेना है एंड इसके अंदर आपको 553 टाइम पे डायल करना है। जब आप ये डायल करोगे तो आपको ये वाला मिनी वाला प्लेन देखने को मिल जाएगा। इसके बाद फिर से सेल फोन को निकालना है एंड इसके अंदर आपको यहाँ पे 8000
5000 डायल करना है। जब आप ये डायल करोगे तो आपको ये वाला हेलीकॉप्टर देखने को मिलेगा। एंड इसके बाद आपको 320 डायल करना है अपने सेल फोन में। जब आप ये डायल करोगे तो आपको ये वाला जेट पैक देखने को मिलेगा। एंड इसके बाद फिर से सेल फोन को निकालना है। इसके अंदर आपको 330 डायल करना है। जब आप ये डायल करोगे तो आपको ये वाला मिनी वाला जो जेट पैक है वो देखने को मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे मैंने सभी व्हीकल्स थे जितने भी इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D के अंदर उन सभी के चीट कोड यहाँ पे बता दिए हैं। एंड अगर कोई व्हीकल्स गलती से रह गया हो तो मैं उसको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड अगर आप किसी व्हीकल्स को ऐड करवाना चाहते हो नेक्स्ट अपडेट के अंदर तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना, क्योंकि हमारे इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D के अंदर उसी चीज़ को ऐड किया जाता है जिस चीज़ की लोग डिमांड करते हैं। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी मुझे जरूर बताना। बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।